माननीय अजीत कुमार भोया 2-1, 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
माननीय अजीत कुमार भुइया, यस सर, हाँ, माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री, हाउ मेनी पर्संस हैविंग प्रोमिनेंट एड्रेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स are appointed in last 5 years in NF Railway in Group D and Group C posts. So can you give details of it? Thank you. Thank you. Sabhapati Mohoday, Group C or Group D, जो भर्ती हुई है, अध्यक्ष महोदय 18-19 के दौरान भारतीय रेल ने आरआरबी के ग्रुप सी और लेवल वन की कुल 283,747 वैकेंसी थी। इसके लिए 7 एडवर्टाइजमेंट दी थी, उसमें से 4 जो एडवर्टाइज थी उसकी भर्ती 31-3-2021 को पूरी हो चुकी है और उसमें सहायक लोको पायलट ग्रुप सी वाले 6,341 उम्मीदवार और लेवल वन वाले 6,723 उम्मीदवार और जूनियर मतलब ग्रुप सी वाले 1,44,094 उम्मीदवार की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 3 एडवर्टाइजमेंट की अभी भर्ती करना। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय अजीत जी, सेकंड सप्लीमेंट्री, हाउ मेनी ग्रुप डी एंड सी पोस्ट आर लाइंग वैकेंट नाउ इन एनएफ रेलवे, गिव डिवीजन डिटेल्स प्लीज। आपको बता दिया कि 7 एडवर्टाइजमेंट हमने निकाली थी, 4 की पूरी हो गई और 3 की अभी करना बाकी। क्वेश्चन नंबर 2 और 8, श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। फर्स्ट सप्लीमेंट्री इज दैट इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग इन इंडिया सर। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम It is a serious issue of our country, sir. This railway ministry, in your future, is going to appoint or introduce new scheme, specially to appoint unemployment youth in our country. केविन सर, मैं माननीय सांसद महोदय के ध्यान में लाना चाहूँगा कि 2014 से 2022 के बीच में भारतीय रेलवे ने कुल मिलाकर 3,50,204 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। 3,50,204 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट अभी दिया है, जो घोषणा की थी 10 लाख एम्प्लॉयमेंट की, उसमें भी भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपने जो कहा है मैं उसी पे आ रहा हूँ। माननीय सांसद महोदय ने जो कहा है 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का जो अनाउंसमेंट है उसमें भी 1,40,000 रोजगार रेलवे में होंगे। ये बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम है और रेलवे उसके प्रति पूरा जस्टिस कर रही है, बल्कि इसी वर्ष में अब तक 18,000 एम्प्लॉयमेंट के ऑफर्स दिए जा चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 10-20,000 इधर उधर अनाउंसमेंट करते हैं, उसकी बहुत बड़ी पब्लिसिटी करते हैं, यहाँ तो हमने एक्चुअल इतने एम्प्लॉयमेंट दिए हैं। माननीय अध्यक्ष, धन्यवाद। माननीय नरहरि अमीन जी, उपाध्यक्ष मोदी जी, माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना की महामारी में रेलवे मंत्रालय सेकंड सप्लीमेंट्री मैसेज। क्वेश्चन सर, एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस नियर अबाउट 8,000 ग्रेट सी एंड गेट डिपोस वैकेंट इन द एनएफ रेलवे सर। NF Railway North Eastern region is connected to the heart of the people of the North Eastern region. Problem is that many person is coming to Guwahati, Maligaon, Lakding, Silchar, Tinsukia, but they are not a bona fide citizen of
northeastern region. Please be brief. Very serious question, sir. Would the nexus between shop railway official by taking the fake certificate and coming to get interview and Guwahati? And local people is deprived. Please be brief, sir. Yes, sir. This is a question of the sentiment of the people, sir. All I know from honorable minister to fill up this vacant post belongs to the northeastern region, space NF railway. Is their town bomb problem initiated by railway ministry to vacant the fill up post and recruit specially from the Thank you. मान्यवर सांसद महोदय ने जो बहुत स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछा है, मैं एकदम आपको स्पेसिफिक जवाब देना चाहूंगा। नॉर्थ ईस्ट में मान्यवर चेयरमैन सर, 2019 में 860 वैकेंसीज क्रिएट हुई, 2020 में 764 हुई, 2021 में 719 हुई। इसी तरह से आरपीएफ में जो कि रेलवे की प्रोटेक्शन फोर्स है, उसमें 2019 में 41, 2020 में 29, 2021 में 17, जितनी भी ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसीज है उन सबका माननीय सांसद महोदय अगर आप ध्यान दें तो आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। जो जितनी वैकेंसीज है उन सब वैकेंसीज को ऑलरेडी फिलअप करने का प्रोसेस भी चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट अभी चल रहे हैं ऑलरेडी, उसमें जो भी ये सारी वैकेंसीज है वो सब उसमें इंक्लूडेड भी है। तो आप निश्चित रहिए, पूरे देश भर में ऑलरेडी जैसा मैंने पहले बताया माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1,40,000 रेलवे के एम्प्लॉयमेंट का ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है और बहुत स्मूथली चल रहा है। आपका भी उसमें समाधान। धन्यवाद माननीय नरहरि अमीन जी। ये क्वेश्चन रिलेटेड है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से, अगर आप उस पर सवाल करना चाहते हैं तो। माननीय उपाध्यक्ष मोदी जी, माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कोरोना के महामारी में रेलवे मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन चलाकर लाखों लोगों को अपने वतन पहुंचाने और तमाम लोगों को पहुंचाने की बहुत ही सराहनीय काम किया है। माननीय मंत्री जी से सवाल है, बताने की कृपा करें कि कोरोना के समय में सवाल पूछे। सवाल ही पूछता हूँ सर। माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि कोरोना के समय में रेलवे मंत्रालय में कर्मचारियों की मेडिकल फीट और स्टैंड बाय फीटिंग उम्मीदवारों को आरक्षण देने के लिए सरकार का क्या आयोजन है? माननीय सदस्य प्लीज बैठकर सीट से न बोले, चेयर देख रहा है। अगर जरूरत होगी तो आपसे हम पूछ लेंगे। आप ये मार्क करें, क्वेश्चन है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे पे, आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए माननीय मंत्री इसका रिप्लाई नहीं देंगे। कलिता, माननीय कलिता जी, आउटसेट आई कांग्रेचुलेट द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर टेकिंग अप दिस large recruitment drive-in and a railway. My question is specifically for the Rangiya division. Rangiya division and the Rangiya junction is highest revenue earning stations. But as I see that the recruitment in Group C and D is going down. 318 in 2019, 328 in 2020 and 126 in 2021. So will he cover the Rangiya Railway Division because it is the highest revenue earning division in this special recruitment dive? Will he consider to recruit maximum people from this area? Thank you, sir. ने बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है सर। आपने जो नंबर रेज किए 2021 तक के, उसके बाद में जो एक बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव चालू हुई है 1,40,000 एम्प्लॉइज की, 1,40,000 वैकेंसीज के रिजल्ट्स जैसे आएंगे तो आपके इसमें नंबर्स भी बेटर दिखेंगे। शेखर राय छोड़ दीजिए किसका तो इसमें।
My supplementary is in relation to start question number 218. The Honorable Minister, through you, how many permanent posts have been abolished from 2014 till today in the Indian Railway? महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, मैं मानता हूँ कि आप एक बहुत ही सीनियर सांसद है। आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती है, आपके समय में भी और हर समय में जैसे टेक्नोलॉजी, माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी बदलती है तो जॉब्स का स्वरूप भी बदलता है। पहले ज़्यादातर काम डीजल से होता था रेलवे में, उसके बाद में इलेक्ट्रिफिकेशन की एक मुहिम चली। उस मुहिम में आज करीब करीब प्रैक्टिकली जितने मेजर सेक्शन हैं देश के, वो सारे इलेक्ट्रिफाई हो चुके हैं। इसी तरीके से जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जॉब्स का स्वरूप बदलता ही बदलता है। तो जो पुराने तरह के जॉब्स थे जिनकी रिक्वायरमेंट आज नहीं, उसकी जगह नए तरह के जॉब्स की रिक्वायरमेंट आती ही आती है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बहुत ही एक नेचुरल कोर्स में, न केवल रेलवे में बल्कि आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, हर सेक्टर में अगर आप स्टेट गवर्नमेंट्स में उठा लेंगे तो वहां पर भी एक ये बात आएगी। कुछ जॉब सरेंडर होते हैं, कुछ नए जॉब्स आते हैं। You know the process. अगर आप जवाब से सेटिस्फाइड नहीं, you know the process how the interpretation. तो ये कैसे, ये किस प्रोसेस में एग्जैक्ट नंबर्स अगर आपको चाहिए तो आप जरूर आए, हम बैठ के उसमें एग्जैक्ट नंबर्स पे बात। थैंक यू। सुष्मिता देव जी, सुष्मिता देव जी, लास्ट सप्लीमेंट प्लीज। थैंक यू सर। To be able to recruit more employees, we need to make the network more commercially viable, sir. Northeast is an agrarian economy, and they cannot afford expensive freight, sir. Will the government consider a way to make the freight rates affordable, more affordable rather, in the Northeast, so there's more demand and in turn there are more jobs, sir? Thank you, sir. Already, sir, the freight rates for Northeast are very affordable, and there is very good demand also. And Railways has done many good things for making sure that the goods from all over the country are reaching Northeast primarily by the railway transportation mode. In fact, if you see, sir, the capital connectivity project of railways within the northeastern sector, the progress is huge. The annual allocations are of the tune of almost 10,000 crores, sir, for entire northeast, and that's the great commitment that Prime Minister Narendra Modi ji has for development of entire northeastern railway network. Imagine, sir, what was the situation before 2014? Not a single capital was not, I mean, forget connecting the capitals. The people were not even visiting the Northeast. So those things have totally changed now, sir. I hope the Honorable MP would like to visit many of these capital connectivity projects. And I request all the Honorable MPs, जो भी जाना चाहे, देखें वहाँ पे किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, किस तरह से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की एस्पिरेशंस को मीट किया जा रहा है। थैंक यू। नाउ सप्लीमेंट्रीज ऑन 218। एमएम अब्दुल्ला जी, Sir, thank you, sir. Thanks for allowing me to answer the sub-question on this question. Honorable sir, whether it is a fact that the union government shows partiality towards the candidates from respective states, including Tamil Nadu, in appointments of vacancies in railway job in the state, particularly the Group D postings, sir? Thank you. Partiality or any differentiation between any state, sir. The RRB, the Railway Recruitment Board exams are conducted in 15 languages. So anybody who wants to participates, and it's a very fair and transparent exam. As you would have noticed, the way the exam has been conducted, there is absolutely no question of any paper leakage or this or that, or not a single complaint of that nature has been received. It's a very complex exam, sir. With almost a crore applicants, we have to conduct this exam in absolute transparency. It is definitely a big challenge, but we have taken up this challenge in a very thorough and methodical way. The exam is going on very well, and there is absolutely no question of any partiality against any state. Modi ji,
माननीय मंत्री को तो मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बताया कि 140,000 लोगों को नए रोजगार मिलेंगे और 1,59,000 पर कार्रवाई चल रही है। मेरा प्रश्न ये कि आरआरबी जो परीक्षा लेती है सौदी बोध है, तो बिहार के लड़कों को चेन्नई जाना पड़ता परीक्षा देने के लिए, काफी दूर जाना पड़ता है, यद्यपि सरकार ने ट्रेन चलाई उसके लिए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी क्या सरकार जब अगली परीक्षा होगी तो उसी राज्य में परीक्षा हो चुकी हो तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसी राज्य में सेंटर रखे जाए या बगल के पड़ोसी राज्य में रखे जाए, झारखंड में बंगाल में, न कि लड़कों को आंध्र और चेन्नई जाना पड़े, तो क्या सरकार इसके बारे में विचार करेगी? सर महोदय ने जो प्रश्न पूछा है वो प्रूव करता है कि किसी भी स्टेट के साथ पार्शियलिटी नहीं है। जो ऑनरेबल अभी सांसद महोदय पूछ रहे थे कि क्या तमिलनाडु के प्रति कोई भेदभाव है, नहीं सर। जो सदर्न रेलवे का आरआरबी है उसके सारे एग्जाम चेन्नई से कंडक्ट होते हैं, तो देश का जो भी व्यक्ति सदर्न रेलवे के एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहे उसको नेचुरली सदर्न रेलवे के निर्धारित सेंटर्स में जाना ही चाहिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। रही बात एक और सेंटर्स की दूरी की, इसमें मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा माननीय चेयरमैन सर, पूरे एग्जाम को कंडक्ट करने में एक बहुत बड़ा इश्यू होता था नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स की इसलिए जरूरत पड़ती थी बिकॉज डिफरेंट डेज और डिफरेंट शिफ्ट्स में जो रिजल्ट आता है उन रिजल्ट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बट वेरी साइंटिफिक फॉर्मूला बनाया हुआ था। इट वॉज अ गुड मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव्ड आउट ऑफ आईआईटी के प्रोफेसर ने बनाया था, उससे लेकिन लोगों में एक स्पष्टता नहीं आती थी। That's why we decided that all the exams should be done in one day, single day, so that normalization की जरूरत नहीं पड़े। इसी के लिए कुछ केसेस में, कई सारे केसेस में डिस्टेंस ज्यादा पड़ी सेंटर्स की, लेकिन उससे फायदा ये हुआ कि नॉर्मलाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी उससे दूर हो गई। जितना भी इंटरेक्शन हुआ है स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ और जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उन सब ने इस चीज को बहुत सहर्ष वेलकम किया है, और इससे एक जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता था हमेशा कि भाई मेरे मार्क्स कितने हैं, मैंने अगर 48 लिया और नॉर्मलाइजेशन के बाद में कोई दूसरा नंबर आ रहा है, तो दैट कंफ्यूजन इज नाउ गॉन सर। सो दैट्स अ वेरी नाइस इनोवेशन दैट वी हैव डन इन दिस एंटायर एग्जाम प्रोसेस। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 213 श्रीमती शांता छेत्री जी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री शांता जी, my with due respect and your kind permission, I would like to ask my supplementary question is in budget 2020-21